इस बार बेबी जेस कहाँ से शुरू करेगी? चलो मुझे दिखाओ। वाओ, यह वफल है। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है। हाँ, मैं जेस के लिए पूरी दुनिया की सबसे अच्छी वफल बनाऊंगी। मुझे इसके लिए बैटर बनाना होगा, अंडे, दूध और थोड़ा आटा। अब हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ओह हाँ, यह इस तरह से होना चाहिए और यह तैयार हो गया। डो अच्छा लग रहा है। अब हम इसे कटोरे में डालते हैं और ऊपर से फूड कलर की कुछ बूंदे मिलाते हैं। हाँ, मैं रेनबो वफल बनाना चाहती हूँ, इसलिए इंद्रधनुष के रंगों की एक एक बूंद। वाह, यह रंग अद्भुत है। और मैं सिरिंज का उपयोग करूंगी और इसमें डो को भरूंगी। और अब वफल मेकर में इसे धीरे धीरे डालते हैं। एक असली इंद्रधनुष वफल बनाने के लिए परतों में डो को डालना जरूरी है। वाह, अब केवल इसे पकने का इंतजार करना होगा। वाह, उसके पास क्या है? ओह, क्या तुमने केमिकल्स के साथ मेरी पोती को खिलाने का फैसला किया है? रंगीन वफल कितना डरावना है। अब दादी असली ब्रांडेड वफल दिखाएगी। और यह रहा कद्दू, इसको छीले, फिर इसे टुकड़ों में काट लेना है। बिल्कुल सही। अब हम सब कुछ एक ब्लेंडर में डालेंगे। इसकी महक बहुत अच्छी है। और अब चालू करती हूँ। बढ़िया, यह कद्दू का प्यूरे है। अब हम आटा में कद्दू डालते हैं। वाह, यह मेरा अपना सीक्रेट रेसिपी है जिसे मेरी दादी ने मुझे सिखाया था। खैर, बहुत बढ़िया। चलो अब सबको एक वफल मेकर में डालते हैं और पकाते हैं। चलो थोड़ा इंतजार करती हूँ। ओ जैकी, तुम क्या कर रहे हो? ओ दादी, मुझे जैकी मत कहो। एक शानदार आइडिया मेरे पास आया है। मैं च्युइंगम वफल बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले ही स्ट्रिप्स को काट दिया है और उन्हें वफल मेकर में डाल दिया है। मैं तुम्हारी इस डो को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। अब केवल पकना बाकी है। और शेफ क्या कर रही है? मेरा रेनबो वफल तैयार हो गया है। वाओ, ये कितने सुंदर बने हैं। मेरे वफल में निश्चित रूप से ज्यादा आइसक्रीम नहीं है। मीठे आइसक्रीम के बिना वफल कैसे खाए जाएंगे? हम वफल पर कुछ बॉल्स डालते हैं और इसे बंद करते हैं। और अब थोड़ी क्रीम डालते हैं। वाह, ऐसे। ओ, 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 ये कैसी महक है? जैक, वहाँ कुछ जल रहा है। क्या? मेरा? ओ, सही में? अरे, मेरी च्युइंगम वॉफल जल गई। लेकिन वहाँ उसे निकालू कैसे? चलो मैं एक स्पैचुला से कोशिश करता हूँ। ओह, यह तो बहुत चिपचिपा है। अब मैं इसे वॉफल कैसे बना पाऊंगा? उफ, और वहाँ शेफ क्या कर रही है? तो मैंने क्रीम के साथ अपना काम खत्म कर लिया है और यह ओरियो की तरह बना है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे लगता है मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बेबी जेस इसे पसंद करेगी। बहुत बढ़िया। चलो, चॉकलेट को पिघला दिया और इसे गम के ऊपर डालता हूँ। ओह, और इस पर हबा बाबा लिखता हूँ। बढ़िया दादी, आपको मेरा काम कैसा लगा? ओह, तुम्हें एक असली वफल मैं दिखाती हूँ। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम देखो इसे कैसा दिखना चाहिए। तुम इसे हर समय खाना पसंद करोगे, दोपहर में, नाश्ते में, रात में। इसमें केवल थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालने होंगे जिसे मैंने खुद बनाया है। बढ़िया, अब तुम इसे ट्राई कर सकते हो। क्या सब कुछ तैयार है? तो चलो बेबी जेस के पास चखने के लिए चलते हैं। ये सभी वफल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह सबसे अलग है। छी, ये बड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यह क्या है? क्या यह वफल क्ले से बना है? मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। आगे क्या है? वाओ, यह वफल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
वाओ, मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी जैम। और यहाँ क्या है? वाओ, यह तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाओ, यह क्या है? यह ओरियो से बना हुआ वॉफल है। वाओ, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। विनर निश्चित रूप से ओरियो वॉफल है। स्वादिष्ट। हाँ, हुर्रे, जीत मेरी हुई। अब बेबी जैश एक नया डिश दिखाएगी। वहाँ क्या है? वाओ, क्या वह जेली है? कूल। क्या हम सभी जेली बनाना जानते हैं? जैक, चलो चलते हैं। मुख्य बात है कि स्वाद के चुनाव में गलती नहीं करना है। बेबी जैस को जेली एकदम स्वादिष्ट मिलना चाहिए। चलो मैं करती हूँ। अलग अलग कटोरे में मैं जेली बनाऊंगी। ओह, यह कितना रंगीन और सुंदर दिख रहा है। मैं एक स्क्वीजर लूंगी और इसमें जेली निचोड़ूंगी। मैं इसे मोल्ड में डालूंगी रंग के अनुसार और यह बहुत ही शानदार होगा। ध्यान रखना है कि लेयर्स आपस में मिले नहीं। और अब मुझे ब्लेंडर की जरूरत है और दूध। दूध इसमें डाला और इसमें जेलेटिन डालूंगी और चीनी। बढ़िया, अब इसे आपस में मिक्स कर देती हूँ। हो गया। प्रत्येक सांचे में सफेद जेली डाले। ओह, मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी अच्छी कि मुझे खुद से ईर्ष्या होने लगती है। और मैं लंबा इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इंस्टेंट स्प्रे से फ्रीज करूंगी। बहुत बढ़िया। दादी, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? मैं तुम्हारी केमिकल्स में सांस ले रही हूँ और फिर मुझे पूरे दिन खांसी होगी। खैर, चलो मैं अपना जेली बनाना शुरू करती हूँ। चलो एक ताजा तरबूज काटते हैं। ओह जैकी, क्या तुम्हें तरबूज चाहिए? ये लो बेटा, खाओ। हुर्रे, मुझे ऐसी चीज के लिए तुरंत एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। मुझे धन्यवाद मत दो, खाओ खाओ। और मुझे तरबूज के दूसरे आधे हिस्से को साफ करने और एक प्लेट में रखने की जरूरत है। ओह, मैं कितनी थक गई हूँ। तरबूज बहुत स्वादिष्ट है। ओह, क्या ये इतना ही था? खत्म हो गया इतनी जल्दी? ओह, दादी के पास एक और आधा है, लेकिन दादी को पता नहीं चलेगा कि मैंने लिया है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तरबूज को एक गेंद से बदल देता हूँ। बिल्कुल सही। और अब मैं इसे खा सकता हूँ। ओह, स्वादिष्ट। यह क्या है? क्या मैं सो गई थी? कितना समय हो गया? तो यह क्या है? यह मेरे तरबूज की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद इस साल खराब फसल हुई थी। ठीक है, चलो इसे काटे। हो, क्या हुआ जैक? क्या तुमने मेरा तरबूज ले लिया और मुझे एक बॉल खिसका दी? अच्छे लड़के ऐसा नहीं करते हैं। तुमने ये क्या किया है? क्या तुमने सब कुछ खा लिया? बिल्कुल सही, मुझे यही चाहिए था। और अब हम यहाँ तरबूज जेली, चीनी और पानी डालते हैं। अब इसे थोड़ा मिक्स करना बचा है। वाह, चलो इसे मिक्स करती हूँ। वाह, बढ़िया, तरबूज का रंग तैयार हो रहा है। ओह, ये थोड़ा कड़ा हो गया है, जम रहा है। खैर, अच्छा है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें ब्लूबेरी डालेंगे। बहुत अच्छा, अब इसे अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। और अब हमें इसे ठंडा करने की जरूरत है ताकि ये जल्दी जम जाए। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, लगता है ये तैयार हो गया है। चलो इसे बाहर निकालती हूँ। और अब इसे टुकड़ों में काटना है। देखते हैं क्या हुआ है। वाह, एक अद्भुत तरबूज निकला। जरा इसे देखो। दादी तैयार है, लेकिन मेरा सिर खाली है और मेरा पेट तरबूज से भरा है। तो जैक, तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत है। तुम्हें जेली बनाना नहीं आता, लेकिन तुम्हें कुछ काम चलाओ व्यवस्था करनी होगी। तो थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप, आटा कभी भी ज्यादा नहीं होता, एक मिल्क शेक और हम अधिक दूध डाल सकते हैं, कोला और मेंटोस। ओह, कोला और मेंटोस, अरे बाप रे। ओह,
अच्छा निकला। अरे शेफ, क्या ये जेली की तरह दिखता है? तुम्हें पसंद है? ओह जैक, तुम्हें खाना पकाता देख केवल बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। मेरे पास अब जेली तैयार है, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ये मेरी ट्रेडमार्क गमी आईज है। बढ़िया, चूँकि हर कोई तैयार है तो चलो अपने डिश बच्चे को परोसी। वाओ, कितने अलग जेली है। यह किस तरह की गंदगी है? जैक बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, मैं इसे चखने से भी डरती हूँ, लेकिन यह दिलचस्प लग रहा है। क्या ये गमी आँख है? अच्छा है, हमें टीचर को प्रैंक करने के लिए इसे स्कूल ले जाना चाहिए। बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाओ, ये एक तरबूज जेली है, मैंने इसे कभी नहीं खाया है, अभी चखती हूँ। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप जीत रही हैं। क्या? अरे, मैं जीत गई। दादी ने सबको हरा दिया। बेबी जेस का पेट लगभग भर चुका है, अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ, लेमोनेड, कितना अच्छा है, अब हम सब कुछ तैयार करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं ग्लास में जेस का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक डालने जा रहा हूँ। ओह, और ऐसी बोतल के लिए ग्लास बहुत छोटा है, मुझे कुछ और लेना चाहिए था। ओह, यह सही साइज है। मछली, मुझे माफ करना, मुझे ये चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे घर की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर लाया हूँ, यह और भी बेहतर है, और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए। और अब मैं मछली के घर में यह सोडा डाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। वाव, यह सही है। जेस के फेवरेट गमीज और आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी होगा। इन सबको सोडा में मिलाता हूँ। ओह, आइसक्रीम कितनी ठंडी है। मैंने फिल्मों में देखा है कि वे लिक्विड चॉकलेट के साथ ग्लास को सजाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद इस तरह से बेहतर स्वाद आता होगा। खैर, मैं भी वो करूँगा। चलो सजावट के लिए गमी कीड़े के एक जोड़े को जोड़ते हैं। वाव, और यह लगभग तैयार है। और थोड़ा सा स्प्रिंकल्स, सही कॉकटेल। और इसमें स्ट्रॉ डालें और अब इसे सर्व कर सकते हैं। क्या आपने देखा कि मैंने क्या किया है? ओह जैक, काश मैंने इसे नहीं देखा होता। अब मैं तुम्हें नींबू पानी बनाने का एक क्लासिक नुस्खा दिखाऊंगी। हम एक बैग में खीरे डालते हैं और एक रोलिंग पिन के साथ सब कुछ पीसते हैं। खीरे के प्यूरे में बनाना महत्वपूर्ण है। इन सब्जियों को अच्छे से मसल दिया और अब ये प्यूरे को ग्लास में डालना होगा। चलो इसे खीरे के साथ सजाती हूँ और ड्रिंक तैयार है। संतरे कहाँ है? ओह, यह रहा, यही मुझे चाहिए, बिल्कुल सही। और अब मुझे कुछ बर्फ चाहिए, बस सीधे एवरेस्ट से। ओहा, ओह, यात्रा में कितनी थकान हो जाती है, लेकिन मुझे सबसे ताजे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हम अमेजन के जंगलों से ट्रॉपिकल फलों का रस लाते हैं। एवरेस्ट से ताजा बर्फ के साथ एक ग्लास में सब कुछ डालें और अब मुझे संतरे का रस चाहिए। हर आखिरी बूंद को निचोड़ा। कीवी, इसे कॉकटेल में डालें। मुझे नारंगी भी चाहिए। चलो इसे भी निचोड़ती हूँ इस तरह से। हो गया, और अब इसे कॉकटेल में डालती हूँ। और अब इसमें स्ट्रॉ डालेंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। बढ़िया, चलो जल्दी जेस के पास चलते हैं। वाह, सभी कॉकटेल कितने कूल हैं। जी, इसके अलावा यह बहुत अजीब लग रहा है। चलो लेकिन इसे ट्राई करके देखती हूँ। जी, क्या यह खीरा का स्मूदी है? कितना बुरा, मैं बोर नहीं चाहती। और यह क्या है? यह तो अच्छा लग रहा है, चलो इसे पी कर देखती हूँ। वाओ, यम्मी। यह तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक जायंट ग्लास में। मैं एक छोटी बच्ची हूँ। खैर,
चलो इसे पीकर देखती हूँ। वाह भाई, तुमने अपना बेस्ट दिया है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक तुम जीत गए। क्या, मैं जीत गया? आखिरकार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं जीत गया। हाँ, तो पहले दौर में आपको मेरे लिए इस तरह का डोनट पकाना होगा। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। डोनट, यह आसान है। हमें शुरुआत आटा गूंदने से करना होगा। ऐसा करने के लिए आटा, दूध और चीनी मिलाए, फिर इन सबको अच्छी तरह से फेंटे। हाँ, आटा तैयार है। अब इसे गूंदने और छोटे टुकड़ों में करने की जरूरत है, ताकि बाद में ये भाग डोनट बन जाए। लेकिन पहले हमें अलग अलग रंगों के डाई के साथ डो को सजाने की जरूरत है। यह इस तरह से रंगीन और अधिक दिलचस्प होगा, न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी। ओह, बस इसे देखो, तुम्हें पता है क्या, यह और भी कूल होगा यदि एक ही बार में कई रंगों के एक डोनट में जोड़ दिया जाए। ऐसा करने के लिए मुझे सभी रंगीन डोनट को मिक्स करना होगा, इसे ठीक से रोल करना होगा और छोटे स्ट्रिप्स में काटना होगा, और फिर इससे डोनट्स बनेगा। बढ़िया। और आप उन्हें ओवन में भेज सकते हैं। मैं पुराने तरीके से डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए मैं डो को एक कप की मदद से छोटे सर्कल्स में काट लूंगी, जिसमें फिर मुझे छोटे छेद बनाने होंगे। हाँ, कैंची की सहायता से छेद बनाया और तैयार डोनट्स को गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इस तरह से वे जल्दी तैयार हो जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है यह तैयार हो गया। और अब केवल स्वादिष्ट ट्रीट के साथ डोनट को भरना है। इसके लिए पहले से काटना होगा और प्रत्येक भाग पर व्हिप्ड क्रीम डालना है। इसके साथ स्ट्रॉबेरी एकदम सही रहेगा। मेरी राय में ये स्वादिष्ट और सुंदर दोनों निकला। डोनट्स के लिए बेस तैयार है। अब केवल रंगीन ग्लेज में डिप करना बचा है और ऊपर से थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स। ओह, बहुत सुंदर। और मैं अपने बैग में जो कुछ भी है उससे डोनट्स बनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कुछ दिलचस्प करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें न्यूटेला और ओरियो को मिलाना होगा। न्यूटेला को एक कटोरे में डाला जा सकता है और जिसके बाद हमें ओरियो से चॉकलेट चिप्स बनाना होगा। मेरा जूता यह काम अच्छे से कर लेगा। बस अब यह सब एक गाढ़े चॉकलेट में मिलाया जाना चाहिए, ऐसे। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट निकला। लेकिन यह इतना ही नहीं है, यह वह डो है जो भविष्य के डोनट का आधार होगा। इससे मनचाहा आकार पाने के लिए इसे एक गम बॉक्स में भरना होगा और डोनट के अंदर एक छेद करने के लिए हम फैंटा के ढक्कन को अंदर रख सकते हैं। अब केवल इस फॉर्म को फ्रिज में डालना बचा है। थोड़ा इंतजार करना होगा और मुझे लगता है ये तैयार है। हाँ, अब हमें किसी तरह इस फॉर्म से छुटकारा पाना होगा। ओह, मैं एक मजबूत लड़की हूँ और फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। हो गया। इसे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। लेकिन अगर मैं इस डोनट के ऊपर एक ट्यूब से गम डालती हूँ तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। वाओ, अद्भुत। मेरे पास सब तैयार है, सबकी तरह। जरा देखो। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है सबसे पहले मैं शेफ जैक के डोनट्स को ट्राई करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और वाओ, इसका स्वाद लाजवाब है। आगे क्या है? जाहिर है मैंने जो कुछ भूरा सा बनाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा है। खा कर देखना होगा, लेकिन बहुत कड़ा है, इसे खा भी नहीं पा रही। किसी पत्थर की तरह है, मैं नहीं खाऊंगी। दादी, चलो देखते हैं आपने क्या किया है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। दादी, आप जीत रही हैं। सच में मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मुझे डोनट्स के बाद पीने के लिए कुछ स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। आपको पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने अलग अलग कॉकटेल बनाए हैं।
और मुझे लगता है कि आज भी मैं पहले की तुलना में कम स्वादिष्ट कॉकटेल नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले दूध को ब्लेंडर में डालना होगा और फिर वहाँ आइसक्रीम डालें। इससे कॉकटेल को जरूरी स्वाद मिलेगा। और अब इस ब्लेंडर में हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह बहुत जल्दी हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड और काम हो गया। हमें बस इसे सुंदर ग्लास में डालना होगा और अब पूरी चीज को चॉकलेट से सजाया जाना चाहिए और एक छेद वाला कुकी भी जोड़ना चाहिए। मेरी राय में यह एक अच्छा आइडिया है। और केवल इतना ही नहीं है, केक का एक टुकड़ा बेरी से सजा हुआ, हाँ, मार्शमेलो, कॉटन कैंडी और अंत में लॉलीपॉप शानदार होगा। वाओ! और ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब सब कुछ तैयार है। क्या यह कॉकटेल है? यह सिर्फ चीनी है। एक कॉकटेल को हेल्दी होना चाहिए, इसलिए पहली चीज जो मैं करूंगी वह मीट ग्राइंडर में खीरे को पीसना है और आगे गाजर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओहा, और यह तो स्वादिष्ट दिख रहा है। यह तो लगता है टूट गया है। खैर, मैं खुद चुकंदर से रस निचोड़ लूंगी। तैयार, मुझे लगता है यह स्वादिष्ट है। नहीं, मैं तो इस तरह के कॉकटेल को चखूंगी भी नहीं। मैं अपना कॉकटेल ऐसा बनाऊंगी जो देखने में और स्वाद दोनों में अच्छा होगा। मुझे इसके लिए दूध और कोको की जरूरत होगी। वैसे जितना ज्यादा कोको, कॉकटेल उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे यह एकदम सही लग रहा है। बस इसे ठीक से हिलाने की जरूरत है, अच्छे से। हाँ, अद्भुत। और इसमें व्हिप्ड क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जाहिर है उन्हें बहुत अच्छी तरह से फेंटा नहीं गया है। मुझे और मेहनत करनी होगी। ओह, तुम्हें और सावधान रहना होगा। अब हम इसे निचोड़ सकते हैं। ओह, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा हिला दिया, लेकिन कॉकटेल के लिए एकदम सही है। अब इसे कैंडीज और चॉकलेट के एक टुकड़े से सजाना बचा है। हाँ, अब यह तैयार हो गया। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो शुरू करते हैं। यह क्या है? चलो ट्राई करती हूँ। यह तो बहुत ही खराब है। सिर्फ सब्जियां हैं यहाँ। और यह वाला? यह तो इसकी बात तो अलग है। यह कोको की तरह ज्यादा है। वाह! और यह क्या है? शेफ जैक का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कॉकटेल। वाह! इसके पीने के बाद तो पूरा पेट भर जाएगा। आउच! यह क्या हो गया? ये सब मेरे ऊपर है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं इस राउंड की विनर बन रही है। मुबारक हो। हुरे! मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए लॉलीपॉप बनाएं। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक स्पेशल डबल पैन लूंगी। मैं इसके एक हिस्से में स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और दूसरे में कुछ मार्शमेलो डालूंगी। अब मुझे इसे गर्म करने की जरूरत है और मार्शमेलो को पिघलाना भी होगा। ओ, बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और अब मुझे इनसे अलग अलग लंबे सॉसेज बनाने हैं, जिसे मैं फिर एक साथ मोड़ दूंगी। जरा इसे देखो। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब केवल उन्हें छोटे टुकड़ों में काटने और उनसे रंगीन कैंडी केन बनाना है। उसके बाद सब तैयार हो जाएगा। और मुझे खट्टे टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के कुछ डब्बे चाहिए, जिन्हें मुझे एक विशाल सॉस पैन में डालना है। उन्हें पिघल जाना चाहिए, जिसके बाद मुझे इस तैयार मिक्सचर को स्टिक पर लगाना होगा। हाँ, अच्छे से मिलाती हूँ पहले। हो, जरा सोचो कि लॉलीपॉप कितना बड़ा होगा। वाओ!
बोरिंग, घोड़ों के रूप में लॉलीपॉप की बात ही कुछ अलग होगी। ऐसा करने के लिए मैं पिघले हुए कैंडीज को सांचों में डालूंगा और उसके बाद उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जमा दूंगा। ओह, कितना अच्छा दिख रहा है। अब जादू। मुझे लगता है इतना काफी है। जरा इसे देखो। लेकिन लॉलीपॉप सफेद है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। इसको रंगने की जरूरत है। हम उन्हें विभिन्न फलों और बेरीज के सिरप के साथ रंगेंगे, तब ये रंगीन और स्वादिष्ट होंगे। हाँ, चलो करता हो। ओह, ये कितना भारी है। ओह मैरी, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी रचना को लगभग तोड़ दिया था। यह अच्छा है कि सब सही सलामत है। आइए देखें कि एमा को मेरे घोड़े पसंद आते हैं या नहीं। दिलचस्प। सबसे पहले मैं मैरी के इस विशाल लॉलीपॉप को ट्राई करूंगी। वो ये बहुत बड़ा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही। छी, कितना खट्टा। नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं। अब चलो दादी की छड़ी को चक्कर देखें। बुरा नहीं है, असल में मुझे वो पसंद है। और सबसे सुंदर लॉलीपॉप बचे हुए हैं, मतलब शेफ जैक के घोड़े। अद्भुत, वे न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार एमा ने मेरी टैलेंट को समझा। मुझे एक रेनबो केक चाहिए। मैं देख रही हूँ आप सब खुश है। चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चुनना है। यह सही है। सबसे पहले केक को आधा काट ले, हमें आधे की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं और इसे किनारे पर रख देते हैं। बढ़िया, आगे मुझे क्रीम और एक स्पैचुला की जरूरत होगी। धीरे से स्पैचुला पर क्रीम लगाकर इसे केक पर लगाते हैं। बढ़िया, और आगे क्या है? मुझे रेनबो बनाने की जरूरत है और रेनबो कैंडी जिसके लिए एकदम सही रहेगा। यह सभी रंग है जिनकी मुझे जरूरत है। मैं हरा लगाता हूँ पहले, फिर पीला, नारंगी, लाल, सब लगाता हूँ। लाल के बारे में तो भूल ही नहीं सकता था। थोड़े बैंगनी कैंडीज और आपका काम हो गया। मुझे भी यह पता है कि रेनबो किस चीज से बनेगा। सबसे पहले नीले ब्लूबेरी की एक परत होगी, उसके बाद नारंगी, नींबू, थोड़ी कीवी और फिर रंगीन जूसी स्ट्रॉबेरी होगी। वाह, यह तैयार हो गया विटामिन से भरपूर। तुम्हें यह कैसा लग रहा है क्लोई? दादी, यह एकदम बेकार है, पर यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं रंगीन गम हबा बबा के साथ एक रेनबो बनाने जा रही हूँ। यह बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे पास सभी सही रंग है। हमने सभी गम को एक रेनबो आर्क में डाल दिया। यह बहुत प्यारा और स्वादिष्ट दिख रहा है। लिंसे को यह जरूर पसंद आएगा। लिंसे को एक अच्छे क्रंच देने के लिए चारों ओर कुछ पॉपकॉर्न। हाँ, हुरे, मैंने एक शानदार केक बनाया। दादी, आप क्या कहती हैं? ओह, तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। लेकिन मुझे अपने केक में कुछ जोड़ने की जरूरत है। यह सही है, यह मेरा फेवरेट शहद। यहाँ रखा। चलो इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए केक पर थोड़ा डाले। यह सुंदर है। शेफ, ऐसा लगता है कि तुम्हारे केक को भी थोड़े शहद चाहिए। हाँ, मेरे केक को मत छुओ। मैं केवल सबसे स्वादिष्ट चीजें डालता हूँ, जैसे कि मार्शमेलो। वे एक बादल की तरह दिखते हैं, इसलिए मैं उन्हें चारों ओर रखूंगा। चलो इसे चेक कर बताओ। वाओ, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मुझे वास्तव में ये केक पसंद है। मैं हर एक को चखूंगी, लेकिन यह नींबू वाला थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैं इसके साथ शुरू करूंगी। एक सुंदर रेनबो है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और अब केक का एक टुकड़ा खाती हूँ। वाओ, यह कमाल का स्वादिष्ट है, लाजवाब। आगे क्या है? इनमें से कौन सा केक ट्राई करना चाहिए? मुझे कैंडी चाहिए। चलो ये लेती हूँ। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। और मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। और अब इस फ्रूट केक की बारी है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। ये स्वादिष्ट है, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है। क्या,
सच में मैं जीत गई। हुर्रे! और अब मैं चाहती हूँ कि आप केक को तरबूज से सजाएं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। एक मिनट रुको, अगर मेरे बगीचे में स्वादिष्ट तरबूज उगते हैं तो मुझे केक की जरूरत भी क्यों है। और यहाँ उनमें से एक है, इस साल वे थोड़े छोटे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वे अभी भी स्वादिष्ट है। अब एक हल्के झटके के साथ मैं तरबूज को कई टुकड़ों में काट दूंगी। ओह, मेरा सर घूम गया, अब इसकी आदत नहीं रही। आह, मैं ठीक हूँ। तो अब मुझे तरबूज से केक के आकार को काटने की जरूरत है। यह निचला होगा और ऊपरी लेयर, और यह दूसरा होगा। यह अद्भुत है, मुझे यह सब कचरा नहीं चाहिए। हाँ, और मैं क्या कर सकती हूँ, तरबूज का छिलका, थोड़ा सा अभी भी बचा है, मैं इसे खा लेती हूँ। कितनी स्वादिष्ट चीज है, और यह एक कूल हैट होने वाला है। शेफ देखो, मेरे पास एक बढ़िया तरबूज टोपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता, चलो देखते हैं कि मैं क्या करूँगा। मैं एक प्यारा सा तरबूज के रूप में एक केक बनाने जा रहा हूँ। यह सबसे स्वादिष्ट, सुंदर और प्यारा केक होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि लिंड से इतने प्यारे केक को कैसे खा पाएगी। मुझे अपने केक के लिए और आंखें चाहिए। ये केक पर अच्छे लगेंगे। बढ़िया, वाव, ये एक अद्भुत केक बना है। दादी आप क्या कर रही हैं? और मुझे अपने केक को सजाने के लिए अनानास चाहिए। मेरी लिंड से तरबूज और अनानास बहुत पसंद करती है, और मैं लिंसे को प्यार करती हूँ। तो चलो प्यारे दिलों को प्यार की निशानी के रूप में काटते हैं, और मेरी पोती की खूबसूरती की निशानी के रूप में फूल। मैंने सभी फलों को यहाँ सजा दिया, लिंसे को यह जरूर पसंद आएगा। क्लोई क्या कर रही है? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैंने खुद के लिए कूल टोपी बनाई है। ओह, क्या आप लोगों ने केक बना भी लिया? तो फिर मैं कुछ कैंडीज उठा लेती हूँ। मुझे तरबूज में कुछ स्वादिष्ट गमीज डालने की जरूरत है, और इसे पिघलाना है। बाय बाय गमीज, और अब हमें इसे जल्दी से जमाना है। इसलिए इसे तुरंत जमाने के लिए हम इंस्टेंट फ्रीजिंग से स्प्रे करते हैं। अरे, ये काम कर रहा है। क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो? मेरा सब तैयार है। लिन से इसे चक्कर बताओ। वाओ, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन यह अच्छा लग रहा है, मैं इसे ट्राई करूंगी। अरे, चम्मच अंदर क्यों नहीं जा रहा है? चलो, उफ़, यह अजीब है। ठीक है, चलो कुछ और ट्राई करती हूँ। यह केक बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाओ, यह तो पूरी तरह से तरबूज और अनानास से बना है। कूल, इसका स्वाद कमाल का है। और शेफ ने क्या तैयार किया है? कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शानदार, मैंने फैसला कर लिया कि शेफ का केक विनर है। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं बेस्ट हूँ। और अब मुझे चॉकलेट केक चाहिए। मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट बहुत दिनों से नहीं खाई है, और मेरे पास एक अच्छा आइडिया भी है। मुझे लगता है कि चॉकलेट केक बनाना कमाल का होगा। और ये एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इन्हें खा सकते हैं। कितना स्वादिष्ट है, अद्भुत। ओह क्लोई, तुम फिर से क्रीम में ढकी हुई हो। यहाँ आओ, दादी सब कुछ साफ कर देगी। बढ़िया, और अब हमें अपने केक पर आना चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या है? हाँ, चॉकलेट। वाह, चलो चॉकलेट को पिघला लेती हूँ। दादी, क्या आप अभी भी ऐसे पुराने जमाने की चीजों का इस्तेमाल करती हैं? मैं आपको कुछ बहुत ही अनोखा दिखाता हूँ, गोल्डन चॉकलेट सिरप। यह शानदार है, आप केवल इसे देख सकती हैं। मुझे एक सांचा चाहिए जिसे मैं केक पर रखूंगा, और उसमें कुछ लिक्विड गोल्डन चॉकलेट डालूंगा। वाओ, अब हम मोल्ड को उठा सकते हैं ताकि सब कुछ आकार में खूबसूरती से फैल जाए। वाओ, कितनी सुंदर धारियां हैं। मैं इसे देखते रहना चाहता हूँ, लेकिन किसी और का ध्यान इधर नहीं है। मैं केक के एक्स्ट्रा भाग को खाने में व्यस्त थी। और अब केक को सजाने दो, मेरे बैग में बहुत सारे स्वादिष्ट चॉकलेट है, अब हम उनके साथ सब कुछ सजाएंगे। वाओ, ये ओरियो कमाल के लगते हैं। हम केक के चारों ओर ओरियो खंबा बनाते हैं। बढ़िया, ऐसे चारों ओर से। और हमारे पास और क्या है? आइसक्रीम कोन। वाओ,
मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, चॉकलेट। बढ़िया, हमने चॉकलेट को चारों ओर लगा दिया। हाँ, ये एक चॉकलेट कैसल बन गया है। मुझे लगता है यहाँ चॉकलेट देखना बहुत अच्छा होगा। हम यहाँ थोड़ा और लगा सकते हैं। तैयार, मेरा चॉकलेट कैसल केक बन गया है। यह एकदम आसान था। और मेरे पास इस सूटकेस में एक सीक्रेट सामग्री है जो सभी को हैरान कर देगा। मेरा सुनहरा प्यार। हम इसे खोलते हैं और आपके सामने है फेरेरो रोचर चॉकलेट। ये वास्तव में चौंकाने वाले लगते हैं। मैं उन्हें पूरे केक पर रखूंगा ताकि सभी का मुंह बंद हो जाए। लेकिन किसी और चीज की कमी है। ओह, यह सही है, हमें कुछ जादू जोड़ने की जरूरत है। वाव, हम चॉकलेट की एक स्लाइड बना सकते हैं। हाँ, और सबसे ऊपर एक बॉक्स रख सकते हैं, जैसे कि वे यहाँ से गिरे हो लेकिन जम गए। ओह, यह कौन खराटे ले रहा है। दादी जागो, आपकी चॉकलेट जलने वाली है। हाँ, क्या चॉकलेट। हाँ सही है, चॉकलेट पिघल गई है। अब केक पर सब कुछ डाले। कमरे में चॉकलेट की कितनी स्वादिष्ट सुगंध है। मुझे ये हमेशा से पसंद है, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरे पास लंबे समय से बेरीज की एक टोकरी है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। मुझे लगता है वे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। मैं लिंडसे से तारीफ पाने के लिए केक पर रखूंगी। और आखिरी बेरी तैयार। क्या सभी ने अपना काम कर लिया। फिर इसे चखने के लिए क्यों नहीं देते। इसे ट्राई करो डियर। वाओ, क्या ये चॉकलेट कैसल है। और ये मेरे फेवरेट बेरीज है। चलो लेकिन मैं इसे ट्राई करती हूँ। यह गोल्डन चॉकलेट है। बढ़िया, और आगे क्या है। ओह, यह केक लग रहा है जिसे दादी के बगीचे में गिर गया हो। बहुत स्वादिष्ट, बहुत मस्त। और यह केक दादी ने बनाया है और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। और यह तो एक कैसल की तरह लग रहा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, टावर तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ओरियोस बहुत पसंद है। और यह क्या है, इतने सारे कैंडीज। वाह, मुझे ये सब बहुत पसंद है। मैं तो बस इसका सपना ही देख सकती थी। और मुझे लगता है कि बहन जीत रही है। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं जीत सकती हूँ।